दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक नींबू रखना है और इस नींबू के साथ में आपको कुछ टोने टोटके जादू टोना करना है, भस्मीकरण करना है और इसको अपने तकिए के नीचे रख लेना है और सो जाना है। और जिस भी औरत लड़की के लिए ये उपाय किए हैं, वो स्त्री अगले दिन से ही सुबह होते ही आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी, पल पल आपके प्यार में तड़पेगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है, और इस नींबू को चार भाग काटना है। इस प्रकार से चार भाग काटना है कि वो चारों भाग अलग ना हो, यानी काटते काटते जाना है और अंत में थोड़ा सा छोड़ देना है कि वो एक दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद अपने सर से दो बाल काट करके उस नींबू के अंदर रख दीजिए और उसमें दो लौंग रखना है। लौंग को रखने से पहले उस औरत का नाम लेंगे जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं और फूंक मारेंगे। इसके बाद इस लौंग को उस नींबू के कटे हुए भाग में रख देना है। थोड़ी सी मात्रा में सिंदूर रख दीजिए और फिर आपको अगरबत्ती जलाना है और उसका धुआं उस नींबू को दिखाना है और अपने मन की बातें बोलते रहना है और फिर इस नींबू को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। और अगले दिन दिन के 12 बजे आप किसी चौराहे पर खड़े होकर चारों नींबू के भाग को अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं में फेंक देना है और वापस आ जाना है। दोस्तों, याद रखिए, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है, इतना करते उपाय हो जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार अवश्य करें जिससे आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने सच्चे प्यार को अवश्य पा सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।